नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से आईएएस टीना डाबी ने दोस्तों अपनी चुप्पी तोड़ी है और तलाक के बाद दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। जी हां, आपको बता दें कि टीना डाबी साल 2015 में आईएएस एग्जाम टॉप करके चर्चा में आई थी। टीना ने महज 22 साल की उम्र में ही आईएएस एग्जाम में टॉप किया था। साल 2018 में टीना ने आईएएस अफसर अतहर आमिर उल सफी खान से शादी कर ली थी। हाल ही में आपसी सहमति से दोनों के तलाक की खबरें चर्चा में रही थीं। अब टीना डाबी की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें टीना डाबी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पिछले कुछ समय में पढ़ी किताबों की जानकारी दी है। टीना डाबी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह लेट पोस्ट है, मैंने कुछ महीने में कई किताबें पढ़ी हैं। किताबें पढ़ने के बाद मैंने अपने ऊपर काफ़ी सारा विचार किया है और उसके बाद मैंने इनको एक पन्ने में जाहिर किया है। इसके साथ ही मैंने ऐसे अंश शामिल किए हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। आशा है कि आप इसे पढ़ने में उतना ही आनंद लेंगे जितना मैंने लिया है। अगर आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है तो अपनी समीक्षा शेयर करें। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अन्य किताब के सुझाव हैं तो उनका भी स्वागत है। टीना ने ए जेंटलमैन इन मास्को किताब पढ़ने का जिक्र करते हुए कहा है कि इस किताब के मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। यह वाक्य है कि कोई व्यक्ति परिस्थितियों में महारत हासिल नहीं कर सकता, बल्कि वह यह महारत हासिल करने के लिए बाध्य होता है। इसके साथ ही टीना डाबी ने अपनी पढ़ाई गई किताबों की एक लिस्ट भी बताई है। इसमें गुड बॉयज, गुड लाइफ, अल्टीमेट ग्रैंड मदर हैक्स, देवदत्त पटनायक की हनुमान चालीसा, डोज डिलीजियस लेटर शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि टीना डाबी अपने तलाक से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके टीना डाबी ने एक बार फिर से कहा है कि वो इस टाइम पर काफ़ी सारी किताबें पढ़ रही हैं। वो फिर से अपनी लाइफ में वापस लौट आई हैं और अब उनको किसी भी तरह से कोई गम नहीं है। इसके साथ ही टीना डाबी ने यह भी कहा है, एक यूजर ने टीना डाबी से पूछा था कि आप इतना बिजी होने के बाद भी कैसे किताबें पढ़ने के लिए समय निकाल लेती हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो समय निकालती हैं। उन्होंने कहा कि लगभग मैं एक महीने में एक किताब को कंप्लीट कर देती हूँ और जितना समय होता है मैं उसी में से समय निकालने की कोशिश करती हूँ। मतलब साफ है कि अब तलाक के बाद टीना डाबी पूरी तरह से उभर आई हैं। जिस तरह से इन्होंने तलाक की अर्जी दे रखी है वो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग इससे वापस आ चुके हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।